you know, jooj rahe hai. Amazing experience, bahut maza aaya. I danced a lot and great fun, great fun. मुझे हाँ मैं ऑलमोस्ट एस्मैटिक हो चुकी थी. इनफैक्ट आज भी मेरा यू नो नोज ब्लॉक्ड है, मैं बीमार हूँ. बट मुझे ऑलमोस्ट एस्मा के अटैक्स आते थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगेन कमिंग बैक टू मदर्स, एंड मदर्स हमेशा आपकी जान बचा लेती है. सो आई रिमेंबर वो रात रात जग के मेरी कैसी ट्रीटमेंट करती थी और फिर उन्होंने मुझे पूरा क्योर कर दिया. सो आई एम फिट एंड फाइन टुडे. अरे मैं एक्चुअली अभी अपनी मम्मा से ही बात कर रही थी. मैं उनको फिल्म दिखाने ले जा रही हूँ क्योंकि वो भी एक वर्किंग मदर है और आज उनकी छुट्टी है और आज मदर्स डे है. सो मैं एक इंग्लिश फिल्म है मदर्स डे करके, सो मैं वही फिल्म उनको दिखाने ले जा रही हूँ. एंड हैप्पी मदर्स डे मम्मा. बहुत अमेजिंग. मतलब ऑब्वियसली बात है, वैसे ही बच्चे इतने क्यूट और प्यारे होते हैं और कितना कुछ सीखने को मिलता है फील लाइफ में, यू नो. एंड दीज किड्स एज आई सेड दे आर गोइंग थ्रू सम थिंग्स बट इट डजेंट शो ऑन देयर फेस एंड दे सीम हैप्पी. एंड आई थिंक आज मैं कुछ दे के तो बिल्कुल भी नहीं, लेके ही जा रही हूँ और बहुत सारी खुशियाँ, एक्सपीरियंसेस एंड मज़ा आया, जेन्युइनली मज़ा आया. आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं? एक थ्रिलर है जो मैं जून एंड में शुरू कर रही हूँ. या अभी उतना ही, एंड अभी लाइक इन अ वीक्स टाइम दे विल अनाउंस इट. सो देन वी लो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाय, मैं हूँ सोनाली सहगल और रेनबो फेस्टिवल के सभी सदस्यों को ईद मुबारक. जी जी हाँ हाँ. क्या था ना, एज एन एक्टर अगर आप जब भी किसी को खुशी देते हो ना तो आपको बहुत अंदर से खुशी महसूस होती है. ये बहुत ही बायलॉ, एक यूनिवर्सल नेचर है सभी का, मेरा आपका. तो इतने सारे बच्चे थे दलिस में, एंड जब हम आए उनके साथ फोटो खिंचाए, उन्हें प्राइजेस दिए, सेल्फीज खींचे, डांस किया उनके साथ. That smile on the face, it just makes you feel very nice, you know, that's it, yeah. So what about you? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि मैं, मेरे अंदर एक अभी भी बहुत ज़्यादा बचपन है और मैं जितने भी बच्चों को देखता हूँ कि शायद मैं शायद मुंबई इसलिए आया था कि लोगों का प्यार ले सकूँ. सोचा भी नहीं था, हम छोटे थे तब टी वी देखते थे, अरे बाप रे ये और वो एक्टर है, कभी शायद हम इनसे मिल पाएंगे. और आज वो इतनी ज़्यादा खुशी होती है इनको देख के कि ये हमारे जैसे ही थे, जैसे हम ऐसे थे. तो और ऊपर से मदर्स डे है आज, तो मैं सबको विश करना चाहूँगा. और मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ गई क्योंकि मैं वैसे भी बहुत स्मॉल टाउन फैमिली से हूँ, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ. तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल. और हमें इस शो से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बच्चों से. तो हमारे लिए बच्चे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़. थैंक यू सर. तो मुझे बहुत खुशी है. सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे, मेरी माँ को हैप्पी मदर्स डे. किसी ऐसे बच्चे ने आप लोगों को करेक्ट करने लेकर यहाँ पे बुलाया? हाँ हाँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो हमारा शो देखते हैं. अगर आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा कैमरा थोड़ा यहाँ पे वहाँ पे वो दो लड़कियों पे कर सकते हैं तो इवन यहाँ पे सिर्फ हमें कैरेक्टर नेम से ही जाए. सो या किड्स लव आवर शो, बच्चों को हमारा शो बहुत पसंद है. एंड थैंक यू वेरी मच, हैप्पी मदर्स डे. हाँ, मैं कुछ मदर्स डे पर कुछ कहना चाहूँगा. एक तो पहली बात तो सब बच्चे हमें मानव और शरद नाम से ही जानते हैं, मे बी शायद रियल नाम ना जानते हैं. तो एक मैं माँ पे कुछ कहना चाहूँगा. मेरा एक बहुत फेवरेट शायर है जिसका नाम है मुनावर राणा, वो सिर्फ माँ पे लिखता है. तो मैंने जब उनको सुना तो मुझे कुछ याद आया मदर्स डे पर कि किसी को घर मिला हिस्से में तो किसी के दुकान किसी को घर मिला हिस्से में तो किसी के दुकान आई. मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई. Happy Mother's Day. So we go. Yeah. Thank you.